पाकिस्तान उस तरफ एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ रहा है yes, बड़ी And there's been a मुझे याद है कि दो हफ्ते पहले हमने यहां पे बैठ के कहा था अरे यार पाकिस्तान अपने आप को देखो कहां इंडिया से मुकाबला करते हो सिंस देन पाकिस्तान ने एक टेस्ट मैच जीता हमने एक हारा yes, पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जीतने वाला है हम ये टेस्ट मैच हारने वाले गुड ओल्ड फैशन क्रिकेट गुड ओल्ड फैशन क्रिकेट वो अठतीस साल का स्पिनर वो फलाना वो ऐसे वो क्रिकेट में उन्होंने इंग्लैंड को नीचे लगा दिया नीचे लगा दिया रावलपिंडी में तो नहीं मानना है लास्ट दस दिन ग्यारह दिन बारह दिन आई थिंक क्रिकेट एक लेसन की तरह आई है वो पाकिस्तान को देखो आप और वो इंडिया को भी देखो yes. आप जैसा कि विक्रांत गुप्ता के, के इंटरव्यू में आपने सुन लिया कि पाकिस्तान ने इंग्लैंड को दो एक से हराने की पूरी प्लानिंग कर ली है पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान होने वाला तीसरा और सीरीज का आखिरी टेस्ट मैच पिंडी में दिलचस्प हो गया है इंग्लैंड की टीम अपनी दूसरी इनिंग में तेईस रन पर तीन विकेटें खो बैठी है जबकि इंग्लैंड की टीम को पाकिस्तान टीम की बढ़तरी खत्म करने के लिए अभी भी चौवन रन की जरूरत है आज टेस्ट मैच का तीसरा दिन बहुत ही अहम होने वाला है अगर दूसरे दिन के की तरफ नजर दौड़ाई जाए तो पाकिस्तानी स्पिनर ने इंग्लैंड की टीम को हराने के लिए पूरा पूरा जाल फेंक दिया है वैसे भी पाकिस्तानी टीम की गिरफ्त टेस्ट पर मजबूत हो गई है अब देखना यह है कि आज का दिन किसकी फेवर में जाता है नाजरीन क्या पाकिस्तानी टीम इंग्लैंड को सीरीज हरा कर पाकिस्तान में पहली मरतबा इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज जीतने में कामयाब होगी या नहीं अपनी कीमती राय का इजहार जरूर फरमाएं शुक्रिया